हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको पूरा मेरेरा बीच दिखाने वाला हूँ। आज बहुत ही खूबसूरत जगह है और ऐसे ही मैं चेन्नई को आया था एक काम से। दो तीन दिन हो चुका था मेरे चैनल पर व्लॉग में आया था। चलो ठीक है, व्लॉग बना देता हूँ कैसे मेरेरा बीच जा रहा हूँ, आप सभी को बीच का नज़ारा दिखा देता हूँ, बोल के व्लॉग बना रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा है सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, इस भाई को सपोर्ट करो। अभी मेरी हालत देख सकते हैं, बहुत गर्मी है, थोड़ा बहुत इम्यूनिटी भी है, इसलिए थोड़ा हाल ख़राब हो जा रही है। उधर पे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे मैंने व्हीकल पार्क किया था, दो किलोमीटर पैदल आया और इस सैंड में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चलेगा आपके लिए। यह है बीच का एंट्रेंस। बीच में जाने के लिए आपको एंट्रेंस ऐसा दिखाई देगा। एंट्रेंस पे आपको एक आर्किटेक्चर क्या बोलते हैं मालूम नहीं, वो बना हुआ का आप इधर से एंटर। अभी देख सकते हैं ड्यूरिंग कोविड चलते हुए बहुत कम लोग हैं बीच पे। ये दो मेरे दोस्त हैं, चेन्नई में मिले, दोनों मेरे दोस्त हैं। आप देख सकते हैं हाय बोल रहा है, बहुत ही खाली खाली है, क्यों बोल रहे कोविड के चलते हुए अभी बहुत सारे लॉकडाउन है ना, इसीलिए। और इवनिंग में ज़्यादा पब्लिक रहती है। हाँ, इवनिंग में ज़्यादा आती पब्लिक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक शॉप बहुत है भाई, दो तीन, पहले तीन चार थे, अभी दो ही है दिख रहे। हाँ, अंदर पूरा शॉपिंग एरिया है, इधर पे चप्पल शूज सब कुछ दिखते। ओवरऑल एंट्री एरिया ऐसा है बीच का, जब एंटर होते मेन गेट से तो पूरी बालू सैंड दिखता पूरा इधर पे, उसके बाद ही स्टार्ट होता अपना बीच। देख सकते हैं ज़मीन और आसमान दोनों मिले सर का दिख रहा है दूर पे, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है। अभी रियल से देखते तो बहुत अच्छा रहता, डरो मत, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, आंखों के सामने दिखाएगा मेरेरा बीच। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना पानी है, बहुत सारा पानी है और लहरें भी देख सकते हैं कितने ऊपर तक उड़ के आ रही है। बहुत अच्छा दिखा मेरे को बीच में फिरने के बाद। ऐसे बीच में कोई घूमने के लिए आएगा तो अपने टेंशन और हेडेक सब कुछ भूल जाएगा और चिल्ड करेगा और रिलैक्स करेगा। कभी कभी ज़िंदगी में ज़रूरी है आउटिंग जाने के लिए एंड आल्सो ऐसे बीच में घूमने के लिए। बीच में घूमने से बहुत कुछ
रिलैक्स हो जाता है और नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को इस बीच पे। आप सभी देख सकते हैं वेदर कितना अच्छा है। अभी मेरे ना बीच में थोड़ा COVID-19 की वजह से फुल नहीं है, थोड़ा खाली खाली है, लेकिन कोई नहीं है, थोड़ा कम आदमी है, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया। आप देख सकते हैं आसमान और ज़मीन दोनों मिलके है सर का दिख रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और इस बीच में जाने के लिए उधर 2 किलोमीटर चलना पड़ता फ्रंट गेट से और बीच तक, इस सैंड के वजह से थोड़ा स्ट्रेस लेना पड़ा जाने के लिए, और थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी भी थी, उसके अलावा बाकी सब सही था, बाकी सब ठीक था। और और इस बीच के पास मैंने हॉर्स राइडिंग भी देखा और हॉर्स राइडिंग भी किया था, लेकिन कोई नहीं था शूट करने के लिए, इसलिए वो क्लिप नहीं निकाल पाया हॉर्स राइडिंग का। इधर पे हॉर्स राइडिंग करने के लिए आपको पर हेड 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तभी आप इस बीच में पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप घूम सकते हैं हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर। वो तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, एक लेवल था। आज मैंने थ्रिल किया, आज मैंने एक्सपीरियंस किया कि हॉर्स राइडिंग कैसा होता बोल के, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो वीडियो क्लिप करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वीडियो क्लिप नहीं डाला मैंने। देख सकते हैं अब वो घोड़ा अभी जो आरान हार्ट्स, उसी पे मैंने रेडिंग किया था, लेकिन क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं जब जाएगा तो हार्ट्स रेडिंग करेगा तो डेफिनेटली आपको वीडियो क्लिप बना के डालेगा। और इधर खाने पीने के सामान बहुत है, फास्ट फूड है और फिशेस, आप सभी को तो मालूम है बीच के पास खड़ा हूँ मैं, फिशेस तो बहुत सारे, बहुत वैरायटी फिशेस इधर पे डिशेस है खाने के लिए, लेकिन थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। वन पीस आपको 100 to 150, 180 तक मिल जाएगी फ़िश। फिश में बहुत सारे वैरायटीज़ है, मेरे को तो उतना फ़िश खाने का ख्वाहिश नहीं है, शौक़ नहीं है, मैं फ़िश लवर नहीं है, ओनली चिकन लवर, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं दिखा।